गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर फॉर क्लास 9, दैट इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. दिस चैप्टर इज चैप्टर 10. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर कंपटीशन एग्जामिनेशन एंड फॉर योर हेल्प ऑल्सो. नाउ सी व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट आर द लॉ ऑफ मोशंस. To understand the concept of force, let us discuss a few examples given below. Pushing the wall of the room, pushing the book placed on the table, bending a thin iron wire to make a circle, a ball is coming towards us and we offer obstruction to bring it rest. Tennis ball, players playing the tennis table. देखिए, पुशिंग द वॉल ऑफ द रूम. जब आप कभी भी फोर्स, देखिए क्या होता है, एक होता है पुश, दूसरा होता है पुल. पुश मीन्स धक्का देना, पुल मीन्स खींचना. पुश पुल, ये दो तरीके का फोर्स होता है. जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं, और जब बंद करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप तो पुल करते हैं. तो ये यहाँ पे जब खींचते हैं, बंद करते हैं, तो वहाँ पे आप दरवाजे को अपने तरफ क्या करते हैं, फोर्स लगा के खींचते हैं, बल लगाते हैं ताकि दरवाज़ा बंद हो जाए. और जब खोलते हैं तो आप उसके ऊपर क्या करते हो, बल लगाते हो ताकि वो ओपन हो जाए. तो ये दो तरीके का फोर्स होता है मेनली, जहाँ पे पुश और पुल दो कंडीशन में अप्लाई किया गया है. यहाँ पे कह रहे हैं बेंडिंग ए थीन आयरन वायर टू मेक ए सर्कल. अगर कोई वायर है पतला सा, ठीक है, देखिए अगर कोई पतला वायर है, थीन पतला वायर है, लोहे का है, और इसको आपको क्या करना है, बेंड करना है. तो आप क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं, और ये क्या हो जाता है, एक सर्कुलर फॉर्म में ये बन के तैयार हो जाता है. तो जब आप यहाँ पे और यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं यहाँ पर. तो जब जैसे करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, सर्कुलर फॉर्म में बेंड हो जाता है. जब कोई बॉल है, अगर ये आपके तरफ ये कोई आदमी है यहाँ पे खड़ा है और इसके तरफ ये बॉल आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको ये जितनी तेज़ी बहुत स्पीड से आता है तो ये क्या करेगा, इसको अपने फोर्स लगा के ताकि ये बॉल जो है आगे बढ़ ना पाए, इसको स्टॉप करने के लिए इसके पास उतना फोर्स होना चाहिए ताकि वो हैंडल कर सके, नहीं तो ये बॉल क्या करेगा, आदमी को मार के गिरा देगा. In the first example, the wall will not come in motion. In second example, the book come in motion. In third example, the shape is changed. In the fourth example, ball come to the rest. In the fifth example, the direction of ball is changed. On the basis of this example, we define the force as follow. A force is an influence which tends to set a stationary body in motion or to stop the body moving, or which tend to change the speed and direction of moving body, or which tend to change the shape of a body. तो देखिए, जैसे कि अगर किसी रूम के वॉल पे आप फोर्स लगाते हो, ये ऐसे लगाए, मान लीजिए ये रूम है बड़ा सा और इसका ये वॉल है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, लेकिन ये वॉल जो है मोशन में नहीं आ रहा है, रेस्ट पे है. पुशिंग द बुक प्लेस ऑन द टेबल, अगर टेबल पे बुक पड़ा हुआ है, अगर आप उसको पुश करेंगे तो वो क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा. बेंडिंग ए थीन आयरन वायर टू मेक ए सर्कल, जैसे कि यहाँ पे हमने बना दिया. टेनिस प्लेयर प्लेइंग द टेनिस टेबल, और टेनिस प्लेयर जो हैं अगर वो खेल रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, उसमें मोशन में आ जाएगा. तो ये क्या करता है, जब शेप चेंज करना हो या बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करना हो या उसकी स्पीड को कंट्रोल करना हो या मूविंग बॉडी को स्टॉप करना हो, तो इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के उस पर उसके सहायता से उसको उसके सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. तो इसका देखिए प्रभाव क्या पड़ता है, जब कोई बॉडी स्टेशनरी है मतलब रेस्ट पे है, तो जैसे आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी मोशन में आ जाएगी. जैसे आप रेस्ट पे हैं बॉडी, जैसे मान लीजिए व्हीकल है कोई, ये रोड है,
रेस्ट पे खड़ा है, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मोशन में, क्योंकि आप यहाँ पे क्या, कौन सा फोर्स लगा रहे हो, पुश कर रहे हो इसको, क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। तो जैसे आप पुश करेंगे इसको, पीछे से धक्का देंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, जो रेस्ट पे था, ये स्टेशनरी बॉडी है, मतलब कि रुकी हुई बॉडी है, एक जगह रुका हुआ है, ये जैसे आप फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन में आ जाएगा। ये फोर्स कैन स्टॉप और मूविंग बॉडी, अगर ये व्हीकल्स रन कर रहा है, चल रहा है, तो आपको, आपके पास उतना फोर्स होना चाहिए ताकि ये बॉडी को रोक सके। ये फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है पीछे से, आप उसको पुश किए तो उसके अंदर स्पीडनेस और उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, अगर कोई आप ये रन कर रहा है, या मान लीजिए कोई आदमी है चल रहा है, ये कोई आदमी है ये चल रहा है पैदल, चलते जा रहा है, आप इसको इधर से धक्का दीजिए, पुश कीजिए, फोर्स लगाए, तो ये इसका डायरेक्शन जो इस साइड में मूव कर रहा था वो कहीं इधर ना चलना शुरू कर दे। तो इसमें क्या हुआ, इसका मूवमेंट ऑफ बॉडी का जो था इस डायरेक्शन में था, लेकिन जैसे आपने फोर्स लगाया अचानक में, तो इसके डायरेक्शन इधर हो गया, मतलब यहाँ पर ये क्या कर सकता है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, देखिए अगर आप लोहे को गर्म करते हैं, उसका हैमरिंग करना शुरू कर देते हैं, तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका साइज क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये था जो फोर्स अपना प्रभाव डालता है, जब उसके ऊपर हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं उस बॉडी के ऊपर, तो अपना कुछ ना कुछ प्रभाव डालता रहता है, उसका अपना इफेक्टिवनेस दिखाता है। फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अब देखिए फोर्स जनरली दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस फोर्स होता है, दूसरा अनबैलेंस फोर्स होता है। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए बैलेंस फोर्स, ये एक आपका रोप है, रस्सी है, इस रस्सी पे जैसे टैग ऑफ वार खेलते हैं हम लोग, गेम होता है, इधर से भी आदमी लगे हुए हैं और इधर भी लगे हुए हैं, ये इधर की तरफ खींच रहा है, ये इधर की तरफ खींच रहा है, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, अगर इस लाइन पे ये पॉइंट टिका रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ का जो फोर्स है वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर इधर नंबर ऑफ क्वांटिटी पर्सन की क्वांटिटी को अगर बढ़ा दिया जाए इधर साइड में, तो इधर फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और इधर कम हो जाएगा, ये डिसबैलेंस हो जाएगा फोर्स, मतलब इधर फोर्स ज़्यादा होगा तो ये रोप को क्या करेंगे, अपने तरफ खींच देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अनबैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स, मतलब दोनों तरफ ये क्या है, बराबर नहीं है। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। बैलेंस फोर्स देखिए, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन द रिजल्ट आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स, द बॉडी अपीयर्स एज इफ नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जैसे यहाँ पे ये फिक्स था, ठीक है, क्या था, फिक्स था, इधर भी दो आदमी थे, इधर भी दो आदमी थे, और इसका जो पॉइंट था वो एक लाइन पे टिका हुआ है, इसका मतलब दोनों तरफ फोर्स क्या है, सेम है। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी पर्सन का क्वांटिटी इधर बढ़ा दिया जाए और इधर दो ही रखा जाए, तो इधर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और इधर कम हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, रोप को अपने तरफ खींच के लेके चले जाएंगे, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, उस केस में ये फोर्स जो होगा बराबर नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, देन दिस फोर्स इज आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी बॉडी और कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अनबैलेंस फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी और ए डायरेक्शन ऑफ ए मोशन और प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो अनबैलेंस फोर्स क्या करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो उसके ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे वो बॉडी क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, वो रन करने लगेगा। एक एग्जांपल है उसको हम आपको बताते हैं, जैसे कि व्हेन ए मैन पुल और ड्रैग ए हैवी बॉक्स ऑन ए फ्लोर, देन एन अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉक्स। हियर द वेट ऑफ ए बॉक्स इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन फोर्स, बट द पुल अप्लाइड बाय द मैन ऑन ए बॉक्स इज नॉट इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
pull applied by the man is greater than that of force of a friction between the surface of the floor and that of the box. That is why the box moves in the direction of the unbalanced force. होता क्या है यहाँ पे जो बैलेंस और अनबैलेंस की बात किया जा रहा है कि अगर कोई बॉक्स है ठीक है उस पर क्या करते हैं रिएक्शन फोर्स देखिए क्या होता है आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है ये सरफेस के ऊपर टिका हुआ है अगर बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मूवमेंट ऑफ बॉडी इस डायरेक्शन में है मूवमेंट ऑफ बॉडी आपका इस डायरेक्शन में है फ्रिक्शन क्या होगा पीछे लगेगा इसके बॉटम पे बॉक्स के बॉटम पे लगेगा ये नीचे और सरफेस के टॉप से। अब देखिए इसमें रिएक्शन फोर्स जो होता है हमेशा मतलब ग्राउंड जो है इसके इसके ऊपर लगाता है किसके ऊपर बॉक्स के ऊपर ऊपर की तरफ ये नीचे लगाता है ये होता है रिएक्शन फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर मोमेंट ऑफ बॉडी अगर आपका इस डायरेक्शन में तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है मतलब इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा हो सकता है पर्सन का जो इस बॉक्स के वेट से ज़्यादा हो मतलब कि फोर्स जो जितना इसको चाहिए उससे ज़्यादा इन सब आदमियों के पास फोर्स रहेगा तो क्या करेंगे खींच ले जाएंगे बॉक्स को अपने डायरेक्शन में। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अब देखिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ इसमें तीन लॉ होते हैं न्यूटन के मोशन के लिए इन्होंने तीन लॉ दिया है। पहला लॉ इन्होंने ये दिया था कि अगर बॉडी रेस्ट पे है ठीक है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी रेस्ट पे ही क्या होगा बॉडी रहेगा ये तब तक रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे कि अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा ठीक है जैसे यहाँ पे बॉडी ये रुका हुआ तो ये रुका ही रहेगा जब तक आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं तब तक ये बॉडी क्या करेगा यहाँ से अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगा हिलेगा ही नहीं। दूसरा लॉ ये है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड टेक द प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी क्या करती है मूव करती है। तो पहला लॉ क्या था कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो ये बॉडी नहीं मूव करेगा। दूसरा लॉ है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है आप इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी का मूवमेंट जो होगा इसी डायरेक्शन में होगा। तीसरा लॉ है कि अगर आपने एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जैसे कि अगर ये नाव है ठीक है और ये वाटर में है और ये इसका शोर है किनारा है और यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है ऐसे इन्होंने स्टिक से क्या किया इसके ऊपर प्रेस किया कहाँ पे इसके शोर पे बैंक पे किनारे पे इसे प्रेस किया ये क्या होगा कि जैसे ये फोर्स ये इधर से क्या कर रहा है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके बैंक पे तो ये क्या करेगा जैसे फोर्स अप्लाई किया तो ये बैंक भी क्या करेगा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये क्या होगा शिप जो था इतना छोटा सा ये क्या करेगा आगे मूव करेगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है ये न्यूटन थर्ड लॉ है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये तीन लॉ थे न्यूटन के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब चलेंगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हर एक लॉ का। न्यूटन फर्स्ट लॉ हैज़ टू पार्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन का है इक्वेशन उसमें जो इसके दो पार्ट है इसके पार्ट के आधार पे हम लोग देखें नो बॉडी कैन चेंज इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑटोमेटिकली अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी वो अपने से कोई चेंजमेंट नहीं कर सकती। इफ़ द बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट of if body is uniform motion then it will continue to be move in the same direction with the same velocity agar body rest pe hai to rest pe hi rahegi motion mein hai to motion mein hi rahegi if a body of a glass is roll on a glass floor it stop after traveling more distance it means every external force like frictional force or other racing forces are totally absent then a moving body will always remain moving
दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया और गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस द चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये होता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो जैसे वो मोशन में आना चाहती है, मतलब कि वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होना चाहती है, तो उस केस में जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया। इसमें क्या करता है बॉडी, क्या होता है रेसिस्ट करता है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को, रेसिस्ट करता है चेंज करने के लिए अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को। मतलब कि वो वहाँ से बस अब चलने ही वाला है, थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो उसका मूवमेंट आ जाएगा उसके अंदर। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन देयर ओन इज कॉल इनर्शिया। तो देखिए बहुत से ऐसे भी होते हैं कि अगर रेस्ट पे हैं तो चेंज नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर कोई ऐसे भी होती है बॉडी के अंदर वैसी प्रॉपर्टी होती है जो अपने पोजीशन को चेंज करना चाहती है, या रेस्ट कर अगर वो रेस्ट पे है तो चेंज करना चाहता है, मोशन में आना चाहता है तो आ सकता है। तो जो चीज़ें होती है वो इनर्शिया के अंदर क्रिएट होता है। ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी ग्रेटर विल फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट इज हैवियर ग्रेटर इज द फोर्स अप्लाइड रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट एंड ग्रेटर इज द इनर्शिया। द अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू इफ द मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास। तो देखिए अगर बॉडी हैवी है, भारी बॉडी है, तो उसमें क्या होता है कि फोर्स हमको ज़्यादा लगाना पड़ता है ताकि वो मोशन में आए, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपका जो वेट है 100 kg है, कितना है 100 kg, आप 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो कहाँ से बॉडी मूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, ठीक है। बॉडी तभी मूव कर पाएगी जब ये 100 न्यूटन से क्या हो, ज़्यादा हो। जब 100 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी, मूव कर जाएगी। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिया गया है इसमें, ए क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन ए रबर बॉल ऑफ द सेम साइज। देखिए जो क्रिकेट बॉल जो होता है उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू डैट ऑफ रबर बॉल, क्योंकि वो क्या होता है, हैवी होता है, वो मास के ऊपर भी निर्भर करता है। इनर्शिया जो होता है ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, ये बॉडी के अंदर प्रॉपर्टी होती है जिसमें बॉडी जो है चेंज नहीं कर पाता है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को, ठीक है, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। जैसे कि इफ़ ए मोटर कार एट रेस्ट सडनली स्टार्ट मूविंग, अगर कोई मोटर कार है, ठीक है, वो रेस्ट पे है और उसको अचानक से क्या हुआ, स्टार्ट कर दिया जाए और वो चलना शुरू कर दे, तो जो आदमी उसके ऊपर बैठे रहते हैं वो कहाँ गिर जाते हैं, पीछे की तरफ। ए बुलेट मेक्स ए होल इन द ग्लास विंडो बट स्टोन क्रेक इट। जैसे एक बुलेट होता है वो क्या करता है, ग्लास पे होल सा बना देता है, लेकिन अगर कोई एक स्टोन से मारते हैं तो ग्लास को क्या करता है, क्रेक करता है। तो इससे ये होता है कि जो वेलोसिटी होती है बुलेट की, जो स्पीडनेस होती है बुलेट की, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे ये बुलेट स्ट्राइक करता है, एक तो बुलेट बहुत तेज़ी से मोशन में रहता है, स्पीडनेस उसकी ज़्यादा होने के नाते वो मोशन में रहता है, तो जैसे वो स्ट्राइक करता है तो वो क्या करता है, रेस्ट पे आने की कोशिश करता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से बुलेट क्या करता है, उस ग्लास को होल कर देता है। और स्टोन की खासियत ये होती है कि जो स्पीड वेलोसिटी होती है स्टोन की वो कम होती है बुलेट से। तो ये क्या करता है, जैसे ये उसके ऊपर पड़ता है तो ग्लास को क्या करता है, क्रेक कर देता है। फ्रूट फॉल्स डाउन व्हेन द ट्री इज शेकन। जैसे ट्री को आप हिलाते हैं, पेड़ों को हिलाते हैं, तो जो पेड़ों पे फल जो लगे रहते हैं वो क्या करते हैं, गिर जाता है। वो भी किसके वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। द डस्ट इज रिमूव व्हेन ए ब्लैंकेट इज बीटन बाय द स्टिक। जो ब्लैंकेट के पे डस्ट पार्टिकल्स जो चिपके रहते हैं, जब आप उसको स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल रहता है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से वो किसके वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से।
इनर्सिया ऑफ मोशन में क्या होता है, द बॉडी ऑफ वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी इज अनेबल टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इनर्सिया ऑफ बॉडी। जैसे कि पैसेंजर सीटिंग इन ए मूविंग कार जर्क एंड लीन फॉरवर्ड इफ ए ब्रेक आर सडनली अप्लाइड। जैसे कि पैसेंजर कोई मूविंग कार में बैठे हुए हैं, जर्क लगी, झटका लगा, तो क्या होते हैं, पहले तो आगे की तरफ मतलब क्या करते हैं, लीन करते हैं, झुक जाते हैं, और जब उस पर सडनली कोई ब्रेक लगता है तो ए मैन जंपिंग फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। अगर कोई ट्रेन चल रही है, क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन मोशन में होता है, लेकिन जो आदमी उसके ऊपर रहता है, ट्रेन के अंदर रहता है, वो किस पे रहता है, रेस्ट पे रहता है। जैसे वो कूदता है, वहाँ से कूद के नीचे आता है, तो उसका बॉडी जो है मोशन में आ जाता है, और ग्राउंड से वो रेस्ट पे आने की कोशिश करता है। इसलिए कहते हैं कि जब ट्रेन से या बस से उतरिए, तो जब उतरते हैं तो ट्रेन अगर धीरे धीरे मूव करे तो आपको भी उसी डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। अगर मूव नहीं करेंगे तो आप क्या होगा, गिर जाएंगे। इफ़ ए मैन थ्रो ए कॉइन इन ए मूविंग ट्रेन द कॉइन फॉल बैक इन टू हिज हैंड। क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है रेस्ट पे रहती है, लेकिन ट्रेन क्या होता है, मोशन में होता है। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन इज द प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ विच बॉडी टेंस टू रिमेन इट्स डायरेक्शन। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, बॉडी क्या होता है, डायरेक्शन को बताता है इसके अंदर, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज द प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी टेंड टू रिमेन इट्स डायरेक्शन। मतलब ये क्या करता है कि अगर बॉडी मूवमेंट कर रही है तो बॉडी के अंदर कैसे डायरेक्शन को, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, दिशा को ये क्या करता है, प्रेरित करता है, बताता है। जैसे कि मैंने कार इज रनिंग टर्न ए कॉर्नर सर्पली द पैसेंजर एक्सपीरियंस ए जर्क इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि अगर कार जो है टर्न कर रही है कॉर्नर से, तो जो आदमी उस कार के अंदर बैठे रहते हैं वो क्या करते हैं, साइड में मतलब कि आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ लीन कर जाते हैं, उस तरफ झुक जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द पैसेंजर टेंड टू मेंटेन देयर ओरिजिनल डायरेक्शन। वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए ये करते हैं। तो ये किसके कारण से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन डायरेक्शन के कारण से होता है। व्हेन द व्हील रोटेट एट ए हाई स्पीड, जब कोई व्हील जो है रोटेट घूमता रहता है बहुत तेज़ी से, तो जब उसके अंदर मिट्टी जो है स्ट्राइक करती है व्हील के ऊपर, तो बहुत तेज़ी से वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और टेंजेंशियली बाहर निकलता है। दिस इज़ बिकॉज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। टेंजेंट क्या होता है बताता हूँ, कि अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है, तो टेंजेंट हमेशा ऐसे पड़ता है, इस पॉइंट पे इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, ये सर्कल के आउटर लेयर पे जाता है। तो व्हील भी आपका गोला होता है ये, तो जब मार्ड ये व्हील हो गया, मान लीजिए मड इस टायर पे लग गया, तो ये क्या करेगा, इधर फेंकेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे जाता है। तो इस तरह का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल। अब देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब दूसरे लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है इसको देखिए। टू मेजर द क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ द फोर्स न्यूटन प्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोमेंटम। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय ए बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट ऑफ ए इक्वल मासेस विच आर मूविंग विद अ डिफरेंट वेलोसिटी, देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट हैव हाई velocity is more than that of force required to stop the object moving with a less velocity. Hence, we can conclude that the quantity of motion is possessed by the fast moving object is more than that of possessed by the slow moving object. Consider two ball A and B such that A is heavier, possesses greater mass, and B is lighter. It possesses the smaller mass. This ball are moving with the same velocity v. Obviously, the force required to stop the heavier ball A is more than that of force required to stop the lighter ball B. It is clear that the momentum of body is directly proportional to its mass. तो देखिए momentum जो होता है वो क्या होता है, mass into velocity होता है, mass और velocity का product होता है। यहाँ पर ये जो होता है ये generally किसके ऊपर निर्भर करता है, mass के ऊपर।
तो यहाँ पे जो बताया गया है कि अगर दो बॉडी है और दोनों का जो स्पीड है वो क्या है, अलग अलग है, अगर उन दोनों को रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स होना चाहिए आपके अंदर, ताकि उस व्हीकल्स को या कार को या बस को आप रोक सके। जो हायर स्पीड से आएगा तो उससे ज़्यादा आपके अंदर फोर्स होना चाहिए ताकि उसको स्टॉप कर सके, और जो लाइटर स्पीड से रहेगा तो उसको आसानी से आप स्टॉप कर सकते हैं। तो जो मोमेंटम होता है, ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, जिसको हम लोग मोमेंटम ऑफ बॉडी बोलते हैं। तो मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये था, यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, ये पहले लेक्चर में पेज नंबर आपका 285 टू 290 तक आप लोग इसको पढ़िएगा। अब सेकेंड लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर इस पढ़ते समय कोई डाउट आया तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है 8576879375 पे। थैंक यू।